हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एलिजाबेथ हार्वेस्ट। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की के आंख खुलने से होती है जिनकी अभी अभी शादी हुई है। वो अपने हस्बैंड के साथ वेडिंग ड्रेस में पहाड़ों के बीच होते हुए अपने नए घर की तरफ जा रही थी। घर पहुंचते ही हेनरी एलिजाबेथ को अपने हाथों में उठाते हुए अपने घर में एंटर करता है। दरअसल ये एक रोमन तरीका था जिसके अनुसार पुरुष अपनी पसंदीदा लड़की को अपने ताकत के अनुसार किडनैप करके ले आते थे। खैर घर में आते ही हेनरी उसको अपने यहाँ पर काम करने वाले ऑलिवर और क्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लेयर एलिजाबेथ को वेलकम होम बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पास में खड़ा ऑलिवर जो देख नहीं सकता था उसको कुछ फ्लावर के बारे में बताता है जिनको वो देख रही थी। रात का डिनर करके हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हेनरी अपनी वाइफ एलिजाबेथ को अपने शानदार से घर का कोना कोना दिखाता है। पूरा घर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी से गार्डेड था। किसी भी जगह पर जाने के लिए हेनरी का थंबप्रिंट कंपलसरी था। सभी जगह को दिखाते हुए हेनरी एक कमरे के सामने से बिना कुछ बोले निकल ही रहा होता है कि तभी एलिजाबेथ उससे पूछ लेती है कि इसमें क्या है। इस पर हेनरी कहता है कि इस घर में जो भी है सब तुम्हारा है, किसी भी चीज के लिए तुमको कोई रोक टोक नहीं है पर सिवाय इस रूम के। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी इस रूम में नहीं जाओगी। ये दोनों बात करते हुए वहीं पर रोमांटिक होने लगते हैं। ये सब कुछ दूर से क्लियर देखकर वहाँ से चली जाती है और इससे कुछ गड़बड़ सी महसूस भी होती है। रात को दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं जहाँ हेनरी एलिजाबेथ को बताता है कि कल सुबह एक जरूरी काम से वो बाहर जाएगा। पर इस बार एलिजाबेथ कहती है कि तुमको ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम हमारे हनीमून के बीच में से जा रहे हो। हेनरी कहता है कि मैं बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ। अगले दिन हेनरी के बताए अनुसार वो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। दोपहर के समय में जब क्लेयर उससे लंच के लिए पूछने आती है तभी एलिजाबेथ उससे पूछ लेती है कि हेनरी तो इतना सक्सेसफुल है, अमीर है, फिर उसने मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों की। जिसके जवाब में क्लेयर उसको कहती है कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है। उसी रात एलिजाबेथ अपने घर में अकेली थी क्योंकि हेनरी ने ऑलिवर और क्लेयर को छुट्टी पर भेज दिया था। वो पूरी रात सोने की कोशिश करती है मगर वो सो नहीं पाती, इसीलिए एलिजाबेथ रात को उठकर उसी रूम में चली जाती है जिसमें जाने के लिए हेनरी ने मना किया था। उस रूम में पहुंचकर एलिजाबेथ अपने सामने कुछ हाईटेक चेंबर्स को देखती है जिनके डिस्प्ले पर हार्ट रेट और पल्स शो हो रही थी। अनजाने में वो एक चेंबर का बटन दबा देती है जिससे वो चेंबर खुल जाता है और उस चेंबर के खुलते ही वो अपने सामने बिल्कुल अपने जैसी एक लड़की को खड़ा हुआ देखती है जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से भागकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। मगर इस तरह जल्दी भागने से उसके हाथ पर चोट लग जाती है जिस पर वो बैंडेड लगाकर उसको कवर कर देती है। अगले सुबह हेनरी घर वापस आ चुका था पर इस बार एलिजाबेथ उसको अपने सामने देखकर काफी अजीब फील कर रही थी। हेनरी उससे हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछता है जिसको वो एक आम सा एक्सीडेंट कहकर टाल देती है। लेकिन एलिजाबेथ की घबराहट को देखकर हेनरी समझ गया था कि वो उस रूम में गई थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो एलिजाबेथ से कुछ नहीं कहता। रात को दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं पर इस बार एलिजाबेथ इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती है, इवन रोने लगती है। और अब आधी रात में हेनरी उठकर उसी रूम की तरफ जाने लगता है। मौका पाकर एलिजाबेथ भी उसका पीछा करने लगती है मगर ये बात हेनरी नोटिस कर लेता है। और तभी अचानक गुस्से से भरा हेनरी उसके सामने तलवार लेकर आता है और उसे कहता है कि क्यों तुम उस कमरे में गई जब मैंने तुमको मना किया था। एलिजाबेथ उससे माफी मांगती है पर वो हेनरी के हाथ में तलवार देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। हेनरी भी उसका पीछा करता है। एलिजाबेथ भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन अब तक जो गेट उसके बायोमेट्रिक से खुल रहे थे वो नहीं खुलते हैं। मतलब हेनरी ने पहले से ही उसको मारने का प्लान बना लिया था, यानी बेचारी लड़की अब बाहर भी नहीं जा सकती थी। एलिजाबेथ लौट कर घर में वापस आ जाती है और अब एलिजाबेथ भी हेनरी से बचने के लिए एक हथियार लेकर शेल्फ के पीछे छुप जाती है। हेनरी वहाँ पर आकर देखता है लेकिन उसको वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर की शांति के बाद एलिजाबेथ शेल्फ से बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है और बड़ी सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी सीढ़ियों के पीछे छुपा हुआ हेनरी उस पर हमला करके उसको मार डालता है। अगले सुबह हेनरी, क्लेयर और ऑलिवर तीनों मिलकर एलिजाबेथ की बॉडी को दफनाकर नाश्ता करने लगते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मगर क्लेयर हेनरी को ये सभी काम छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि हेनरी कभी भी पकड़ा जा सकता है।
शाम के समय हेनरी का दोस्त डिटेक्टिव फ्रैंक आता है। फ्रैंक उसकी वाइफ के बारे में हेनरी से पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि एलिजाबेथ ऊपर सो रही है। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि जब भी मैं आता हूँ तुम्हारी वाइफ आराम ही करती रहती है क्या। इस पर जवाब देते हुए हेनरी कहता है कि तुमको तो पता ही है ना कि आजकल की लड़कियाँ ब्यूटी स्लीप के बारे में कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस रहती है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद ओलिवर क्लेयर के लिए फूल लाता है, मगर क्लेयर उसको ऐसा करने से मना कर देती है। ओलिवर पूछता है कि अगर तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ पर रहती क्यों हो। इस पर क्लेयर जवाब देती है कि वो चीजों को समझती है इसलिए यहाँ पर रुकी हुई है। पर ओलिवर इस बात को मना करते हुए कहता है कि मुझको पता है कि तुम हेनरी से प्यार करती हो इसलिए यहाँ पर रुकी हुई हो। मतलब कहीं ना कहीं ओलिवर क्लेयर को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे 6 हफ्ते का समय गुजर जाता है और एक बार फिर से एलिजाबेथ और हेनरी उन्हें पहाड़ों के रास्ते हेनरी के घर की तरफ आ रही होती हैं। लेकिन इस बार एलिजाबेथ का वेडिंग गाउन कुछ अलग था। एक बार फिर से हम वही सारी चीजें दोबारा होते हुए देखते हैं। फिर से पूरा घर दिखाना, उसी कमरे में जाने से मना करना, बायोमेट्रिक में उसके सारे प्रिंट का होना। अब कहानी को आसान बनाने के लिए इस वाली एलिजाबेथ को हम एलिजा बोलेंगे। रात को डिनर के बाद हेनरी और एलिजा एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं और पिछली बार की तरह ही हेनरी अगले दिन बाहर जाने वाली बात बोलता है। रात को एलिजा को नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो उठकर किचन की तरफ चली जाती है, जहां पर उसको क्लेयर मिलती है। एलिजा के द्वारा अपने हस्बैंड के बारे में पूछने पर इस बार क्लेयर उसको कुछ बताने वाली थी कि तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है। रात को ओलिवर और क्लेयर दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। अगले सुबह एलिजा घर पर अकेली होती है इसीलिए वो पूरे घर में घूमना शुरू कर देती है। दोस्तों ये वाली एलिजाबेथ भी पिछली वाली की तरह उसी रूम में चली जाती है जिसमें जाने से हेनरी ने उसको मना किया था। अंदर जाकर वो 5 बॉक्सेस देखती है जिनमें से 4 पर रेड लाइट थी, यानी पिछली 4 मर चुकी है, और 5th वाले बॉक्स पर ग्रीन लाइट, और 6th वो खुद सामने खड़ी थी। एलिजा अपने हमशक्ल को देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है, मगर उसी वक्त उस रूम में से वो लास्ट वाली एलिजाबेथ उठ खड़ी होती है। ये नई एलिजाबेथ एलिजा के रूम में आकर खिड़की से ओलिवर और क्लेयर को जंगलों के रास्ते वहाँ से जाते हुए देखती है। वो वापस बेड की तरफ आकर एलिजा के गालों को टच करते हुए उसके कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ हेनरी घर पर वापस आ चुका था। एलिजा उठते ही अपने सामने हेनरी को देखते ही पूछती है कि सब लोग कहाँ चले गए थे मुझको रात में अकेला छोड़कर। हेनरी बताते हुए कहता है कि मैंने कल रात उनको छुट्टी पर भेज दिया था। एलिजा उठकर बाथरूम के लिए चली जाती है, मगर उसका पीछा करते हुए हेनरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन एलिजा उसको ऐसा करने से रोक देती है, पर हेनरी जबरदस्ती करके अंदर आ ही जाता है उसकी बात ना मानने के लिए। गुस्से में हेनरी टॉवल को गीला करके उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे एलिजा खुद को बचाते हुए वहाँ से भागकर गेट खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो गेट नहीं खुलता। फिर वो कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, ये भी नहीं टूटता। निराश होकर एलिजा किचन में वापस आकर अपने हाथ में चाकू ले लेती है। वही दूसरी ओर हेनरी अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाकर उसको मारने की तैयारी करता है। हेनरी लिविंग रूम में जाकर पियानो बजा के उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर देता है ताकि एलिजा को लगे कि वो अभी भी पियानो बजा रहा है। हेनरी को खोजते हुए एलिजा भी लिविंग रूम में पहुंच जाती है कि तभी पीछे से आकर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा सुंघाकर उसको बेहोश कर देता है। पर ये एलिजा का प्लान था इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है और मौका पाकर वो हेनरी पर हमला करके उसको मार देती है। क्लोरोफॉर्म की वजह से एलिजा भी वहीं हेनरी के बगल में बेहोश हो जाती है और होश में आने पर हेनरी की बॉडी को लाकर उसके थंब प्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे काम नहीं बनता और वो एक बार फिर से इस घर के अंदर कैद हो चुकी थी। अब लिविंग रूम में वापस आकर एलिजा खून के सभी दाग को मिटाते हुए हेनरी की बॉडी को छुपा देती है। फिर आकर वो नहाती है और अपने शरीर से खून साफ करती है और खून से सने कपड़ों को जला देती है। थोड़ी देर में थक कर वो वही सोफे पर सो जाती है। अगले सुबह नींद से उठने पर एलिजा हेनरी के फोन पर देखती है कि क्लेयर की बहुत सारे मिस्ड कॉल है। फिर वो मौका पाते ही 911 पर कॉल करके अपनी हालत के बारे में बता देती है, पर हेनरी के घर का एड्रेस भी उसको मालूम नहीं था। अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, क्लेयर और ओलिवर वापस आ जाते हैं। एलिजा सोफे पर जाकर ऐसे बैठ जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
पर एलिसा को सोफे पर बैठा देख क्लियर और ओलिवर समझ जाते हैं कि हेनरी मारा जा चुका है। एलिसा क्लियर को कहती है कि हेनरी ऊपर सो रहा है। हेनरी के बारे में जानकर क्लियर की तबीयत बिगड़ने लगती है और सडनली उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। जैसे तैसे करके वो 911 पर कॉल करके सब बता देती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहाँ पर आकर उसको लेकर अस्पताल के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसा भी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर ओलिवर आकर उसको रोक लेता है। ओलिवर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी और कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझको पता है कि तुमने हेनरी को मार दिया है। एलिसा कहती है कि उसने ये सब अपने बचाव में किया था। ओलिवर उसको हेनरी की बॉडी दिखाने को बोलता है। अब दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को बर्नर में ले जाकर जला देते हैं। ओलिवर एलिसा से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर एलिसा बताती है कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मगर ओलिवर जानता था कि ये सारी मेमोरी एक्सपेरिमेंट के चलते उसके दिमाग में डाली गई थी। ओलिवर उसको बताता है कि दरअसल हेनरी ने उसके जैसी टोटल 6 एलिजाबेथ क्लोन्स को बनाया था, जिनमें से 4 तो मारी जा चुकी हैं और 5वीं तुम हो, कि तभी वो एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। ओलिवर एलिसा से कार का कलर पूछता है। जैसे एलिसा कार का कलर बताती है, ओलिवर उसको कहता है कि ये तो फ्रैंक की कार है। थोड़ी बहुत बातों को समझा कर ओलिवर एलिसा को फ्रैंक के सामने बात करने के लिए भेज देता है। फ्रैंक आकर एलिसा से मिलते हुए पास में खड़े ओलिवर से हेनरी के बारे में पूछता है। ओलिवर फ्रैंक को इस बारे में एलिसा से पूछने को कह देता है। एलिसा उसको बताती है कि हेनरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऊपर आराम कर रही है। कंफ्यूज्ड फ्रैंक एलिसा से कहता है कि इससे पहले मैं जब भी आया तब आप सोई रहती थी और आज आप जागी हो पर हेनरी सोया हुआ है, मतलब इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ओलिवर की ब्लाइंडनेस, क्लेयर का कमजोर दिल और आप दोनों की बिगड़ती तबीयत साफ इशारा करती है कि इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर फ्रैंक 911 पर कॉल करने की वजह पूछता है, जिसका जवाब में ओलिवर कहता है कि ये कॉल क्लेयर के लिए किया गया था, जिसके बाद वो वहाँ से पानी लेने के लिए चला जाता है। फ्रैंक थोड़े बहुत सवाल पूछ ही रहा था कि तभी पीछे से ओलिवर आकर उसको शूट करके मार डालता है। फिर आकर एलिसा से पूछता है कि ये मर गया या अभी भी जिंदा है। जवाब में वो बताती है कि ये मर चुका है। ओलिवर उसको पास्ट की बात बताते हुए कहता है कि तीसरे नंबर की एलिजाबेथ को इसने भागते हुए देख लिया था, इसीलिए इसको हेनरी पर तभी से शक था। ओलिवर एलिसा को पैसे लेकर यहाँ से भागने का आइडिया देते हुए उस रूम में पहुँचता है। एलिसा पैसे इकट्ठे कर रही थी, तभी ओलिवर एक डायरी लाकर उसको पढ़ने के लिए देकर उस रूम को बाहर से लॉक करके वहाँ से चला जाता है। एलिसा गेट खोलने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है, मगर ओलिवर उसको कहता है कि ये गेट तभी खुलेगा जब वो ये पूरी डायरी पढ़ लेगी। रूम में लॉक होने की वजह से एलिसा डायरी पढ़ने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि 5 साल पहले हेनरी क्लेयर को अपने घर लाया था। दरअसल वो न्यूरोलॉजिस्ट थी और हेनरी खुद एक साइंटिस्ट था। एक्चुअली अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए उसकी वाइफ एलिजाबेथ मर गई थी, इसीलिए उसकी याद में उसके ब्लड सेल्स लेकर उसने उसके 6 क्लोन्स तैयार किए थे, जो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसे ही दिखते थे। हेनरी की वाइफ को एक रेयर सी बीमारी थी, जिस वजह से उसके पहले 2 क्लोन्स तो बीमारी की वजह से मारे जा चुके थे। इससे निराश होकर हेनरी क्लेयर को अपने यहाँ बुलाता है और इस बीमारी का इलाज खोजने को कहता है। शुरुआत में तो क्लेयर ये सब करने से मना करती है, पर बाद में मान जाती है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस बीमारी का हल मिल ही जाता है। इससे अब तीसरे नंबर की एलिजाबेथ स्वस्थ थी, मगर वो बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती थी, इसलिए वो भी उसी रूम में चली जाती है जहां उसके बाकी क्लोन्स पड़े हुए थे। क्लोन्स को देखकर वो काफी घबराते हुए घर से भाग जाती है, जिसको भागते हुए उसको रास्ते में डिटेक्टिव फ्रैंक मिलता है, जो वापस उसको हेनरी के पास ले आता है। इस बात से डिटेक्टिव को हेनरी पर शक हो गया था, इसीलिए वो बार बार हेनरी के घर पर चेक करने के लिए आया करता था। हेनरी डिटेक्टिव को कुछ पैसे देकर शांत रहने को कहता है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां ओलिवर एलिसा के लिए खाना लाया था। मौका पाकर एलिसा ओलिवर पर हमला करके दरवाजे का कोड पूछती है। शुरू में तो ओलिवर नहीं बताता, मगर धमकाने पर वो कोड बता देता है। जाने से पहले एलिसा उसे वहाँ पड़ी चेन से बांधकर बाहर जाके ओलिवर के बताए कोड को गेट पर एंटर करती है, मगर गेट्स नहीं खुलते। इससे चिढ़कर एलिसा वापस उसी रूम में जाती है और जाकर देखती है कि ओलिवर वहाँ से भाग गया था। एलिसा किचन में जाकर चाकू अपने हाथ में ले लेती है और जाकर उसी लेबोरेटरी में उसको देखती है, जहाँ ओलिवर 6th नंबर के क्लोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। एलिसा उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो।
इस पर ओलिवर उसको बताता है कि मैं इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिजा पास आकर उसको देखने लगती है, तभी पीछे से ओलिवर उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। ओलिवर एलिजा को बेडरूम में ले जाकर चेन से बांध देता है। एलिजा अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। वो पास में पड़ी डायरी को उठाकर पढ़ने लगती है, जिसके अनुसार कुछ दिनों बाद सेल अनसुटेबिलिटी की वजह से तीसरी एलिजाबेथ भी मारी जाती है। पहले तो इसके लिए क्लेयर को हेनरी पर शक होता है, पर फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। 6 महीने लगातार कोशिश करने के बाद भी इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसी दौरान काम करते हुए हेनरी और क्लेयर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट में ओलिवर को देखते हैं, जो एलिजा के लिए खाना लेकर आता है। उसे पूछता है कि बताओ डायरी में आगे क्या पता चला, जिस पर एलिजा बताती है कि इस डायरी में अब तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा है। ओलिवर आगे एलिजा को बताता है कि मैं हेनरी से काफी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि हेनरी ने ही ओलिवर को अंधा किया था। दरअसल इन 6 क्लोन्स में से सेकंड वाली सबसे सुंदर थी, ये सब क्लोन्स ही थे, मगर किसी वजह से मेरे और उसके बीच दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये बात हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हेनरी ने मुझको अंधा कर दिया था। ओलिवर खाना रखकर वहाँ से चला जाता है। एलिजा एक बार फिर डायरी पढ़ने लगती है, जिसके अनुसार कुछ समय बाद क्लेयर ने हेनरी से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कर ले मगर वो कभी भी एलिजाबेथ की जगह नहीं ले पाएगी। हेनरी ने जो क्लोन्स बनाए थे वो सभी काफी जवान थे, मगर वो खुद काफी बूढ़ा था, इसीलिए उसने अपना ही एक यंग क्लोन बनाया। इनफैक्ट ओलिवर कोई और नहीं बल्कि हेनरी का ही क्लोन है, और हेनरी का अपना खुद का बेटा तो एलिजाबेथ के साथ ही मर गया था। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद भी एलिजाबेथ हेनरी के साथ ही रहे। अगले दिन डराते हुए ओलिवर एलिजा से पूछता है कि बताओ डायरी में आगे क्या पता चला। एलिजा उसको बताती है कि तुम एक क्लोन हो, ना कि कोई रियल पर्सन। और अब इस बात पर ओलिवर को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि हेनरी ने उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया था। एलिजा उसको सेड्यूस करते हुए कहती है कि मेरे पास आओ, अब से हम दोनों साथ रहेंगे। पर मौका मिलते ही एलिजा उस पर हमला कर देती है और गेट का कोड पूछती है। इस बार ओलिवर ने उसको सही कोड बता दिया था। तभी वहाँ पर अचानक से 6th एलिजाबेथ गोली चला देती है, और गोली ओलिवर को चीरते हुए एलिजा के पेट में जा लगती है। गोली की वजह से ओलिवर की वही डेथ हो जाती है, मगर एलिजा घायल हो जाती है। धीरे धीरे एलिजा घर से भागने की कोशिश करते हुए गेट तक पहुँच जाती है, और गेट खुलते ही 6th एलिजाबेथ उसको पीछे से शूट कर देती है। यहाँ पर एलिजा मरने से पहले 6th एलिजाबेथ को एक बार क्लियर की डायरी पढ़ लेने को बोलती है। वो ऐसा ही करती है, और डायरी पढ़ने के बाद उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसके अगले सीन में हम पहली बार एलिजाबेथ को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के अनुसार साइंटिस्ट अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल और जुनूनी हो गया था कि वो कब नॉलेज और पावर का मिसयूज करने लगा उसको पता ही नहीं चला। कहते हैं लत हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्यार हो या फिर नफरत। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कैसी लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आपके सजेशंस भी आप हमको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो विद ऑल दैट सेड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।